हेलो नमस्कार दोस्तों, आपसे का स्वागत है मेरे चैनल बी टेक में। और आपके लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो है जो स्मार्टफोन होता है उसमें नोच या फिर बेजल लेस का ट्रेंड क्यों आ रहा है। तो दोस्तों इसी के बारे में आज कॉन्सेप्ट है, तो चलिए बात करते हैं इसी के बारे में। तो दोस्तों आप सही जानते हो कि जो 2013 या फिर 2014 में जो स्मार्टफोन्स आते थे उनमें सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन साइज़ इंक्रीज़ किया जाता था, जैसे कि 4.5 से 5 इंच या फिर 5 इंच से 6 इंच तक किया जाता था। लेकिन दोस्तों आजकल आप ये जानते हो कि जो स्मार्टफोन मैक्सिमम साइज़ है उसका 5.99 तक आते हैं आजकल लगभग सभी स्मार्टफोन्स। तो दोस्तों जो स्मार्टफोन ने कंपनी ने सोचा कि जो अगर हम इसका साइज़ ही बढ़ाते रहेंगे तो ये मार्केटिंग के लिए अच्छा नहीं होगा, कुछ ना कुछ न्यू इनोवेशन किया जाए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो आईफोन आता है iPhone X, उसमें आप सभी जानते हो कि उसमें नोच को लाया गया सबसे पहले, और उसके बाद आजकल तो बजट रेंज के स्मार्टफोन्स में भी नोच बहुत ही अच्छे से आता है, मतलब कि लगभग सभी स्मार्टफोन में नोच आता है। जो कि दोस्तों आप सभी ने रियलमी के साथ देखा कि रियलमी की बिल्कुल छोटी सी नोच आती है जो कि रियलमी 2 प्रो है। और दोस्तों इसी के साथ अभी आजकल स्मार्टफोन्स में बहुत ही ट्रेंडिंग पे ये चला हुआ है। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास आता है कि जो बेजल लेस का कॉन्सेप्ट आता है वो MI के जो मिक्स सीरीज से आता है, वहाँ से जो उसके एक साइड लगभग क्लियर ही था और दूसरी साइड छोटी सी चिन्ह होती थी, जो कि जो ओप्पो और वीवो के जो स्मार्टफोन्स थे उसने लगभग कॉन्सेप्ट बना दिया था लेस स्क्रीन का। तो दोस्तों अगर आप देखना चाहोगे आजकल लगभग हर एक कंपनी अब फॉलो करने वाली है कि जो बेजल लेस का कॉन्सेप्ट है उसको जल्दी ही मार्केट में लाया जाएगा। तो दोस्तों जो बेजल लेस है वो और जो नॉच है दोनों ही प्रीमियम क्वालिटी को शो करते हैं हर एक स्मार्टफोन में, जैसे कि इसका जरूरत इसलिए पड़ा अगर हम स्क्रीन साइज़ को बड़ा करेंगे, जो नोच का छोटा करेंगे और स्मार्टफोन की जो फिज़िकल बॉडी है उसको भी उतना ही रखेंगे। तो दोस्तों इस तरह जो स्मार्टफोन का मतलब कि साइज़ बढ़ेगा, जो स्क्रीन का साइज़ होगा वो बढ़ेगा, ना कि उसका फिजिकल साइज़, जो कि स्मार्टफोन की प्रीमियमिटी को बहुत ही अच्छे ढंग से इन्हेंस करेगा। और दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, और ये जो डिज़ाइन होता है उसको भी काफ़ी अच्छे से इन्हेंस करता है। तो दोस्तों जो ओप्पो और वीवो है उनका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों इसी तरह से जो स्मार्टफोन्स है अगर मार्केट में आते रहे तो लगभग जो स्मार्टफोन का प्राइस है ओप्पो और वीवो ने रखा हुआ वो भी काफ़ी हद तक नीचे गिर जाएगा। तो दोस्तों जो स्मार्टफोन में इस टाइप की स्क्रीन्स आती है वो काफ़ी ही मतलब कि इन्हेंस करती है हर एक चीज़ को, अपनी प्रीमियमिटी को बहुत ही अच्छे ढंग से इन्हेंस करती है। और दोस्तों जो ओप्पो और वीवो ने जो एप्पल स्मार्टफोन है उसको भी लगभग जो R&D में काफ़ी अच्छे ढंग से हरा दिया है। तो दोस्तों जो एप्पल है वो इतनी इनोवेशन नहीं ला रहा जितना कि ओप्पो और वीवो ला रहा है। इस तरह से लगभग ओप्पो और वीवो काफ़ी फेमस हो सकते हैं, और आईफोन जितना इनोवेशन नहीं लाएगा तो वो काफ़ी नीचे गिर सकता है। तो दोस्तों अगर आप जानते हो कि जो स्मार्टफोन में जो टीम कुक से पहले CEO थे उन्होंने जो इनोवेशन के ऊपर काफ़ी मतलब कि दबाव दिया था, और दोस्तों जो टीम कुक है वो मतलब कि इनोवेशन के ऊपर उतना नहीं देता जो उनके शेयर। तो दोस्तों ये आईफोन के लिए मतलब कि अच्छी बात नहीं है, इससे आईफोन का जो मार्केट है वो मार्केट शेयर है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर सकता है, क्योंकि दोस्तों जो आईफोन है वो अपने इनोवेशन के लिए जाना जाता है। क्योंकि दोस्तों जो उसकी जो बड़ी नोच है उसको तो ओप्पो और भी ओप्पो के जो स्मार्टफोन है Realme 2 Pro जो कि इतने कम रेट में आता है और आईफोन इतने ज़्यादा रेट में आता है, लेकिन फिर भी दोस्तों जो Realme 2 Pro है उसकी जो नोच है उसके कंपेयर में आईफोन की नोच बहुत ही बड़ी है। दोस्तों अगर आप रिज़ल्ट जानना चाहते हो नोच और बेजल लेस का, वो ये है कि जो नोच है और बेजल लेस है वो स्मार्टफोन को बहुत ही प्रीमियम बनाते हैं, और जो स्क्रीन साइज़ है स्मार्टफोन का उसको भी बढ़ाता है, जबकि जो फिज़िकल साइज़ का
बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से जो स्मार्टफोन है बहुत ही प्रीमियम बनता है और बहुत ही अच्छा लगता है देखने के लिए, और जो डिज़ाइन होता है वो भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहे मेरे चैनल बीटेक, मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद जय भारत।